बीते 2 दिनों से पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन और कर्फ्यू के मामले में सख्ती रख रखी है। हालांकि कल शाम दूध वितरण के लिए 2 घंटे की जो ढील दी गई उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया और भीड़ के रूप में सड़क पर उतर आया, जिसके चलते आज सुबह घरों तक ही दूध पहुंचाने के इंतजाम किए गए। क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते अब प्रशासन का कहना है कि 7 दिनों तक इसी तरह की सख्ती रहेगी और कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकले। रविवार की दोपहर 1 बजे से कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती शुरू करवाई, वरना उससे पहले सुबह 7 से 1 बजे तक जो ढील साग सब्जी दूध किराना दवाई और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दी जा रही थी उसमें लोग सड़कों पर तफरीह करने के लिए उतर पड़े और कई स्थानों पर जब जबरदस्त भीड़ उमड़ी और सुबह से पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित किया गया। लेकिन मीडिया में मचे हल्ले के चलते शाम को 2 घंटे दूध वितरण की छूट फिर भारी पड़ी और लोग घरों से निकल पड़े। अब कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि अगले 7 दिन तक इसी तरह की सख्ती कायम रहेगी और दूध घरों तक पहुंचाया जाएगा। आज सुबह से इसकी व्यवस्था भी की गई है। प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक दूध पाउडर के पैकेट दिए जाएंगे ताकि वो अगले 4-5 दिन घर पर ही दूध तैयार कर सके। सांची से भी इस बारे में बात की जा रही है ताकि दूध पैकेट के अलावा दूध पाउडर भी हासिल किया जा सके। शहर के लोगों की तरह ही सुविधा चाहिए और कर्फ्यू में भी लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जागरूकता है और उनकी ज़रूरतें भी कम हैं। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इंदौर द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कोरोना के बारे में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पोस्टर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर अनुरोध किया जा रहा है कि वो इसे अधिकाधिक समूहों में भेजें और सरकार द्वारा की गई पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन करते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सहयोग करें। युवाओं को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की भी जानकारी दी जा रही है ताकि वो स्वयं और अन्य लोगों को कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न हालात से निपटने में आर्थिक सहयोग कर सके। ग्रामीण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, दुकानों में भी निर्धारित समय में ही खुलती है, लोग निश्चित दूरी बनाकर खरीदारी करते हैं, अधिकांश ग्रामीण भी मास्क लगाकर ही बाहर निकलते हैं और अब चौपाल पर भी इकट्ठे नहीं होते, सैनिटाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं, बाहर से घर आने पर सबसे पहले साबुन से हाथ धोते हैं। इंदौर जिले में पाए गए 6 कोरोना पॉजिटिव क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इन कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस हेतु कंटेनमेंट दल का गठन किया गया है। रानीपुरा, हाथीपाला, स्नेहनगर, खातीवाला टैंक क्षेत्र के लिए अपर कलेक्टर पवन जैन इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार चंदन नगर, गुमास्ता नगर, टाटपट्टी बाखल के लिए अपर कलेक्टर दिनेश जैन, खजराना, मूसाखेड़ी, मरिजबाग, कोयला बाखल के लिए अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, निपानिया के लिए अपर कलेक्टर दिनेश जैन तथा लंबोदी के लिए अपर कलेक्टर पवन जैन इंसिडेंट कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वारंटाइन में रखना होगा तथा कंटेनमेंट एरिया हेतु CMHO द्वारा विशेष RRT रैपिड रिस्पांस टीम, जिसके अंतर्गत फिजिशियन, एपिडेमियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं डॉक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाएगा। मेडिकल मोबाइल यूनिट के अंतर्गत 1 मेडिकल ऑफिसर, 1 पैरामेडिकल स्टाफ तथा लैब टेक्नीशियन व डॉक्यूमेंटेशन स्टाफ रहेगा। उक्त क्षेत्र के एग्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लिया जा रहा है। ये जब तक चलेगा तब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाए। इन क्षेत्रों में नगर निगम के जोनल अधिकारी नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।